किसी व्यक्ति के बारे में हम नहीं बोल रहे, और भारतीय जनता पक्ष ने ये दिल पर नहीं लेना चाहिए, बीजेपी ने। पनौती शब्द पूरे विश्व में और देश में इस्तेमाल किया जाता है, और ख़ास करके जो अपने आप को हिंदुत्ववादी समझते हैं उनको तो पनौती शब्द का इतना नफरत नहीं होनी चाहिए। अपने हिंदुत्व के कोष में पनौती शब्दों को बहुत महत्व है, आपको मालूम नहीं। आप नेपाल में जाइए, आप बनारस में जाइए, आप समझ लीजिए पनौती का अर्थ क्या है, और बाद में ये सब FIR वगैरह लॉन्च करने का काम कर लीजिए। इस देश को 2014 से पनौती लगी है, वो 2024 में पनौती ख़त्म हो जाएगी। कभी 7.5 लगती है, उसके बाद पनौती लगती है, फिर छोटी पनौती लगती है, ये सब हिंदुत्व की संकल्पना है। ये हमारे हिंदुत्ववादी जो लोग बैठे हैं, अपने आप को हिंदुत्ववादी मानते हैं, उसने पनौती का एक विश्लेषण और अभ्यास करना चाहिए। गेल्या 4 दिवसांमध्ये काश्मीर खोऱ्यात 2 कॅप्टनसह 4 जवानांना बलिदान करावं लागलं, आणि ह्याच्यावरती ना प्रधानमंत्र्यांकडून, ना गृहमंत्र्याकडून, ना संरक्षण मंत्र्याकडून साधी संवेदना व्यक्त केली। संपूर्ण केंद्र सरकार 5 राज्यांमध्ये निवडणुका लढवण्यात दंग आहे, त्यांना काँग्रेसला राजकीय विरोधकांना उखडून फेकायचं आहे, त्यांना काँग्रेस मुक्त भारत करायचा होता तो काही झाला नाही, त्यांना शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र करायचा होता तो काही झालं नाही। खरं म्हणजे काश्मीर खोऱ्यातून दहशतवाद मुक्त काश्मीर ही आमची संकल्पना होती, पण काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि अतिरेकी कारवाया संपलेल्या नाहीत। आजही 1 दिवसाआड आमच्या जवानांच्या हत्या होत आहेत, कुठे आहेत प्रधानमंत्री, कुठे आहे 56 इंचाची छाती, कुठे आहेत गृहमंत्री, हां पाठवा तिथे ED आणि CBI काश्मीरला, शेवटी जवानच मरत आहेत ना। काय तुमची भूमिका काय होती? काश्मीरी पंडित त्यांची आम्ही घरवापसी करू, नोटबंदी का केली? तर काश्मीर खोऱ्यामध्ये दहशतवाद नष्ट होईल, हां अतिरेक्यांना जे आर्थिक पाठबळ मिळत आहे ते कमी होईल, म्हणून तुम्ही 1000च्या 2000च्या नोटा बंद केल्यात। पण आजही रोज कॅप्टन, कर्नल, मेजर, जवान, पोलीस दलातले, सुरक्षा दलाचे लोक काश्मीरमध्ये हत्या होत आहेत। लेकिन मैंने नहीं सुना की किसी जो 5 राज्यों में प्रचार चल रहा है प्रधानमंत्री की लीडरशिप में, गृहमंत्री या हमारे रक्षा मंत्री, किसी ने संवेदना जाहिर की है। आपकी क्या भूमिका थी? आप 5 राज्यों के प्रचार सभा में आज भी कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा करते हो, महाराष्ट्र में शिवसेना मुक्त महाराष्ट्र बनाना चाहते हो, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद मुक्त कश्मीर आप कब बनाओगे? आतंकवाद मुक्ति ये कश्मीर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ना। आप कांग्रेस मुक्त करेंगे किसी राज्यों में, शिवसेना मुक्त करेंगे? देखिए कश्मीरी पंडित घर वापसी क्या हो गया, आज भी वो दहशत की छाया में जी रहे हैं, अपने घर नहीं गए वापस। लेकिन उस बारे में ना BJP बोल रही है ना मोदी जी बोल रहे हैं। एक दिन आप हमारे जवानों की हत्याएं वहाँ हो रही है, पुलवामा का जो 40 जवान उनको जो हत्या हो गई, शहीद हो गए, उस बारे में आज भी संशय है, कोई उस बारे में बोल नहीं सकता कि क्या हो गया, क्या हुआ है। तो ऐसे हमारे पनौती सरकारें देश में चल रही है।